तर नागपूरमध्ये भाजपचा पराभव झाला आहे। नागपूर हा भाजपचा गड मानला जातो, पण या गडातच मव्याचे सुधाकर अडबाले निवडून आले, त्यामुळे नितीन गडकरी, देवेंद्र फडणवीस आणि चंद्रशेखर बावनकुळे यांच्या विदर्भातच भाजपला पराभव पाहावा लागलाय, कारण भाजपचे उमेदवार नागो काणार यांचा पराभव झालाय। इसमें कुछ नतीजे हम लोगों को एक्सपेक्टेड थे उस प्रकार से है, कुछ नहीं भी आ पाए। हमने कोकड़ की सीट कई वर्षों के बाद हमने उसको जीता है, वहीं नागपुर की सीट हम बीजेपी लड़ाना चाहती थी, लेकिन शिक्षक परिषद का आग्रह था कि वो लड़ाए, इसलिए शिक्षक परिषद को हमने दी थी और उनको हमने समर्थन दिया था, वो सीट हम नहीं चुनकर आ पाए। अमरावती की सीट हम बहुत थोड़े वोटों से अभी पीछे है। नासिक का जहाँ तक सवाल है, वहाँ पर एमवीए के तीनों पार्टियां एकत्रित आकर उन्होंने वहां के युवा नेता सत्यजीत तांबे को टारगेट करने का प्रयास किया था, लेकिन सत्यजीत तांबे ने बहुत अच्छी लड़ाई दी और बहुत अच्छे वोटों से वो चुनकर आए, इसलिए उनको भी मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं। या निकालात तो भाजपा का कहीं आत्मपरीक्षण कराओ ऐसे वगैरह विषय नहीं है। खरतर मराठवाड़ा ती सीट राष्ट्रवादी कड़े होती, महाविकास आघाड़ी कड़े होती, नाशिक की सीट महाविकास आघाड़ी कड़े होती, नागपूरची सीट मात्र शिक्षक परिषदेची होती, ती भाजपची नव्हती। भाजप जर लढलं असतं स्वतः तर मला वाटतं आम्ही त्या ठिकाणी काहीतरी वेगळं आपल्याला दिसलं असतं।